कोई इंसान किसी इंसान का भाई नहीं है। एक कौम अपने नेशनल इंटरेस्ट में अपने आप को बचाने की खातिर हजारों कौमों को, हजारों इंसानों, लाखों को जिबा करती है, तबाह बर्बाद करती है। एक कॉरपोरेट इंडस्ट्रियल बिजनेस एनवायरमेंट, मेगा कार्टेल्स इनके फूड सप्लाईज कंट्रोल कर रहे हैं, मेडिसिन कंट्रोल कर रहे हैं, इनकी इंडस्ट्री कंट्रोल कर रहे हैं, और उनकी किस तरीके से इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है आसपास हमारे, ये ग्रीड की वजह से। और सारी करने वाली वो कौम है जो अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज डेवलप्ड नेशंस डेमोक्रेसी का असल चेहरा, विच इज द बिगेस्ट फार्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड डेमोक्रेसी। और ये हमारे सियासतदानों को, दानिश्वरों को समझ नहीं आती है बात कि इनके लिए भी सबसे बड़ा खुदा वतन के बाद जमहूरियत है जी। पहला खुदा वतन है, दूसरा खुदा इनका जमहूरियत। अब तो ऐसा लगता है कि जमहूरियत का लफ्ज भी जो है वो किसी अपनी रिलीजियस टेक्स्ट में इसको शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी तरह उसको डिफेंड करते हैं जैसे कि किसी ने मजहब को गाली निकाल दी है। सच्ची बात है। और इकबाल कहते हैं कि इन लोगों ने जहन्नुम में जन्नत तलाश करने की कोशिश की है। इमेजिन कीजिए कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम इन्होंने बनाया, जो इंसानों को तकसीम किया, जो नेशनलिज्म बनाई है, ये जहन्नुम जिसमें ये जन्नत तलाश करना चाहते थे, और इन्होंने इंसानियत को हलाकत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। ये वही अल्फाज है जो कायद आजम ने इस्तेमाल किए थे 1948 में स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते वक्त, कि मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम ने इंसानियत को तबाही के दरवाजे पर, और हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली उनके जाने के बाद हम सारे उसी में फंस गए। वो क्या ज़ायनिस्ट बैंकर कभी हमें छोड़ा? आज कायदे आजम को लोग सेकुलर कहते हैं, उनसे बड़ा इस्लामिस्ट दुनिया ने पैदा नहीं किया 20वीं सदी में कायदे अल्लामा इकबाल के बाद, कि जो ये खुल के रिकग्नाइज कर रहा है कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल सिस्टम ने इंसानियत को तबाह करके रख दिया। और उनके पीछे जो पावरफुल आइडियोलॉजी ऑफ इकबाल है, जो ये कहती है एक हो मुस्लिम हरम की पासवानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खा के काशगर, लुक एट दी स्ट्रेंथ इन दिस बिलीफ एंड आइडियोलॉजी, जिससे जान निकलती है। कोई वजह तो है ना कि जॉर्ज बुश कहता है कि मुसलमान नमाजें पढ़ते रहे, रोजे करते रखते रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इंडोनेशिया से लेकर अफ्रीका तक एक मुस्लिम स्टेट नहीं बनने देंगे, जिसको उसने टेररिस्ट स्टेट का नाम दिया था। यानी खिलाफत या मुसलमान स्टेट या मुसलमान मरकज, जो 1400 साल की मुसलमान मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट है, उसको वो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन, दहशतगर्द मुल्क कहते हैं, दहशतगर्द तंजीम कहते हैं। हर बंदे को, हर मुसलमान को दहशतगर्द, हर मुसलमान को बना दिया। तो फिर इकबाल कहते हैं कि इंसान, इंसानियत, आज के दौर में इंसानियत एक फसाना बन के रह गई है, और आदमी आदमी से बेगाना हो गया है। देखो, आई थिंक इट्स एनफ डिस्कशन हैज बीन डन ऑन दिस कॉन्सेप्ट नाउ। हम मुसलमान जब एक ग्लोबल कॉस्मिक आइडियल और वैल्यूज की बात करते हैं, तो ये सिर्फ रोमांटिक आइडियल्स नहीं है जो हम ख्वाब में सोच रहे हैं। हमारे बड़े इंप्लीमेंट कर चुके हैं इनको, सदियों इंप्लीमेंटेड रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। और पिछले 50 यही आइडियाज जो है ऑब्सोलीट कर दिए गए हैं, कि ये तो चल ही नहीं सकते, इनको ऑब्सोलीट बनाने की कोशिश की जा रही है। है नहीं, है नहीं, एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक है। इससे पावरफुल आइडिया क्या होगा कि तमाम इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करें, तमाम इंसान आपस में ट्रेड करें, दैट इज अ फ्यूचरिस्टिक, दैट इज फ्यूचरिस्टिक, दैट्स नॉट पास्ट। इन्होंने जो निजाम बनाया है ये स्टोन एज का है, स्टोन एज का है, जिसमें इंसान इंसान को कत्ल करता है, कबीले 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 को मारता है, ताकतवर छोटे को खा जाता है, कमजोर की कोई इज्जत आबरू नहीं। यही इन्होंने एक कॉन्सेप्ट खड़ा कर दिया कि ये दैट्स लॉ ऑफ द जंगल, दैट्स लॉ ऑफ द वर्ल्ड, कि यू नो द बिग फिश ईट द स्मॉलर फिश, स्मॉलर उससे छोटी, उससे छोटी को, उससे छोटी। ये खुद कहते हैं ये कि इन दिस वर्ल्ड बिग फिश ईट द स्मॉलर फिश, नो डॉग ईट डॉग वर्ल्ड। इन्होंने कैसी टर्म्स इस्तेमाल की, और बहुत ये सारी टर्म्स आप समझ आती हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों को उन टर्म्स के अंदर फंसा के कहा भाई इट्स अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड, व्हाट कैन यू डू। यानी ये कोई भी आपके साथ ज्यादती करे कहें जी डॉग ईट डॉग, उसके बाद हमसे कहते हैं कि दुनिया का फला का निजाम वही है जो हम दे रहे हैं, वो कबूल कर लो। दाखल वाला कुत, तो बस सवाल एक कॉल लेते हैं, बहुत देर से होल्ड कर रहे हैं जी। हेलो हेलो हेलो, मेरे ख्याल से एक ड्रॉप हो गई कॉल। हम इसी को कंटिन्यू रखते हैं कि ये इतना बड़ा जो झूठ और मक्कारी जो की गई है मुस्लिम उम्मा के ऊपर, नहीं पूरी दुनिया के ऊपर, अब इससे छुटकारेगा कोई? क्योंकि लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को बता रहे हैं, ये असल इस्लाम के आइडियल्स ये हैं, इन आइडियोलॉजीज को वापस हमने कभी छोड़े नहीं। और एक बात इकबाल बड़ी खूबसूरत कहते हैं कि इस मॉडर्न नेशनलिज्म की वजह से, इस कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से, ईसा अलैहिस्सलाम के दीन की भी क्षमा बुझ गई। यानी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कहते हैं कि दुनिया में ईसाइयत भी खत्म हो गई है। एक इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिए कि इस वक्त मॉडर्न स्टेट्स, वेस्टर्न स्टेट्स, जो जाहिरन अपने आप को ईसाई कहती हैं, लेकिन जो कुछ इनकी हुकूमतें ज़ायनिस्ट कर रही हैं, हालांकि ईसाई मजहब के अंदर तो मोहब्बत और प्यार है, ईसाई तो इतने अच्छे लोग होते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम की असल तालीमात पे अमल करने वाले, ये ज़ायनिस्ट ने ईसाई मजहब को भी हाईजैक कर लिया। और इवन जूज फॉर दैट मैटर, यहूदी भी जो है, अच्छे भी यहूदी लोग हैं, बहुत अच्छे यहूदी लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे यहूदी लोग, इन लोगों ने पूरे मजहब को हाईजैक कर लिया है। और हर वो काम जिससे ईसा अलैहिस्सलाम ने मना किया है, हर वो काम जो ईसा अलैहिस्सलाम नफरत करें जिससे,
ये अमेरिकन और ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन पूरी दुनिया पर जो तबाहियां बर्पा कर रही है ईसाइयत के नाम पर, जिस तरह एक दहशतगर्द इस्लाम का नाम एक्सप्लॉयट करता है तो आप उसको ये नहीं कहते कि वो इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। इसी तरह ये जो हुकूमतें हैं ये ना तो ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी कर रही हैं, ना ईसा अलैहिस्सलाम और अंबिया की तालीमात पे अमल कर रही हैं, ना खुदा की पैरवी तो है ही नहीं, खुदा ये तो शैतान की पैरवी, शैतान की पैरवी। जो P1 ऑर्गेनाइजेशन थी, P2 ऑर्गेनाइजेशन जिसने फ्री मेसन से मिलकर जो वेटिकन चर्च को तबाह करने में इनका हाथ था, अल्लाह से डरने वाले ईसाई, अल्लाह से डरने वाले यहूदी और अल्लाह से डरने वाले दूसरे इंसान जो इंसानियत से मोहब्बत और प्यार करते हैं, सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं किया, डिफेम कर रहे हैं रिलीजन को, हर किस्म के रिलीजन, हर किस्म के रिलीजन को। और वो जो प्रोजेक्ट ब्लू बीम की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये जो आपने उसमें देखा कि हदीस में भी, एक हदीस में भी इस चीज का जिक्र है जो कि एक मैस इल्यूजन दुनिया के लिए क्रिएट और भी करेंगे, तो और कर चल रहे हैं टेलीविजन के थ्रू, इसको नाम हदीस में दज्जाल का निजाम, दज्जाल का निजाम दिया गया। एंड दिस इज समथिंग दैट यहां पर हम इकबाल जो सेक्युलरिज्म को फिर एक साथ साथ इसको ऐड करते हैं, कहते हैं कि दहरियत ने जब मजहब के लिबास को तार तार किया, ये बात जो आप अभी कर रहे थे कि सेक्युलरिज्म ने जब मजहब के लिबास को तार तार किया तो शैतान की तरफ से एक शैतान का नबी आ गया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, शैतान का नबी इकबाल किसको कह रहे हैं? देखिए आज की जो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसकी बुनियाद मैकेविली के ऊपर है। एक इटालियन प्रिंस था मैकेविली, जिसने एक किताब लिखी द प्रिंस के नाम से। आज पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं, पूरी दुनिया के जो पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है, डिप्लोमेसी है, पॉलिटिकल साइंस है, वो मैकेविलियन, इंग्लिश में लफ्ज बन गया है गाली के तौर पे कि मैकेविली। इकबाल ने ये कहा कि इस मॉडर्न नेशनलिज्म को बिल्ड करने वाला शैतान का नबी मैकेविली था। और इकबाल ने फिर मुखातिब करके कहा कि मैकेविली ने जो तबाही मचाई है इस दुनिया में कि मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस जिस पर बिल्ड करती है वो इतनी नापाक है। कहते हैं कि वो फ्लोरेंस का रहने वाला एक बातिल परस्त, इटली का रहने वाला, फ्लोरेंस का रहने वाला एक बातिल परस्त जिसके सुरमे ने इंसानियत की आंखें फोड़ दी। यानी अल्फाज देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी जिन लोगों ने मैकेविली की किताब प्रिंस पढ़ी है आप सर पीट के रह जाएंगे कि इंसान इतनी नापाक बातें सोच कैसे सकता है। एग्जैक्टली मैकेविली की यही डॉक्ट्रिन हिंदू ज़ायनिस्ट की डॉक्ट्रिन चांकिया के पास है। चांकिया आइडियोलॉजी भी यही कहती है कि जिस शख्स से तुमने कत्ल करना हो पहले उससे दोस्ती लगाओ, उसका एतमाद लो, उसका ट्रस्ट गेन करो, फिर उसकी कमर में खंजर मार के कत्ल करो, फिर उसकी लाश पर बैठ के रो कि मेरा दोस्त मारा गया, और इल्जाम लगा दो किसी दूसरे के ऊपर कि उसने मरवा दिया। यानी दिस इज मैकेविलियन या चांकिया आइडियोलॉजी। इकबाल ने जो अटैक किया मैकेविली को, कि जिस तरीके से उस मैकेविली ने कहा कि मैकेविली ने बादशाहों के लिए एक किताब द प्रिंस लिखी और उसकी वजह से इंसानों की मट्टी में लड़ाई का बीज डाल दिया गया। यानी दो एजुकेटेड पीपल, लेकिन उन किताबों को इतना ज्यादा प्रचार करने वाले, इतना पब्लिक, इतनी ज्यादा बढ़ाने वाले कौन लोग? अली मैं आपको बताऊं ना बात कि हमारे यहां लोग पढ़ते नहीं है प्रिंस को, लेकिन उनके तमाम लीडर्स वेस्टर्न वर्ल्ड में पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन का इम्तहान नहीं पास करते जब तक मैकेविली जबानी याद ना हो जाए उन्हें। अच्छा, ईच एंड एवरी स्टेप दे टेक इन देयर लाइफ इज बेस्ड ऑन मैकेविली। और इकबाल कोई वजह है ना कि बराह रास्त मैकेविली का नाम लेकर अटैक कर रहे हैं। द प्रिंस की किताब इतनी सी किताब है, मामूली सी, 60-70 सफे की, ठीक, लेकिन इतना मकर, फ्रॉड, धोखा, कत्लो गारत तो उस किताब में रिकमेंड किया गया है कि हुकूमतों को जो कि एग्जैक्टली वर्ड बाय ऑपरेशन ब्लू तुलसी जो कि आप बता रहे हैं, हिंदू ज़ायनिस्ट ज़ायनिस्ट भी जो है उनकी जो एक सोच है। अब इकबाल मैकेविली के बारे में कहते हैं कि वो इंसानों को तारीकी की तरफ ले गया, उसके कलम की तलवार ने सच्चाई के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यानी मैकेविली की तलवार ने सच्चाई के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसने एक ऐसे नए नजरिए की बुनियाद रखी, एक नई फिक्र की बुनियाद, नया बुत तराशा। इकबाल के मुताबिक वो जमाने का आजर था जिसने एक नया बुत तराशा, स्टेट नेशनलिज्म, जिसकी बुनियाद मैकेविली ने रखी है। आइंदा इस पूरे कॉन्सेप्ट को रमूज बेखुदी के मजीद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम जो हमारा शो होगा वो 26 शो होगा और वो इस सीजन का आखिरी शो होगा और हम इस रमूज बेखुदी को आगे लेके चलेंगे। नेशन और नेशनलिज्म आज हमने डिस्कस की, इट्स वेरी इनलाइटनिंग टू हेयर व्हाट यू हैव, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और डेफिनेटली वी वुड रेकमेंड एवरीवन टू रीड दिस बुक मैकेविलीज द प्रिंस, तो दे नो के क्या हो रहा है और इस दुनिया में। उसके अलावा आई वुड अर्ज एवरीबॉडी टू रीड ऑन गूगल ऑपरेशन ब्लू तुलसी टू अंडरस्टैंड व्हाट्स रियली हैपनिंग टू पाकिस्तान राइट नाउ एंड कौन कौन जो है लोग वो इसके अंदर लगे हुए हमारे तबाह करने के लिए। हमारा रेवोल्यूशन ये है, हमारा रेवोल्यूशन जो है वो इंफॉर्मेशन का रेवोल्यूशन है एंड दिस रेवोल्यूशन विल बी टेलीवाइज्ड।